रात के करीब 8 बजे गुल्ली और बुल्ली अपने दोस्त शॉन के घर उसकी बर्थडे पार्टी में जा रहे थे, लेकिन ये दोनों पार्टी के लिए काफी लेट हो चुके हैं और कहीं इनके पहुंचने तक पार्टी खत्म ना हो जाए, इसलिए इन लोगों ने जंगल के रास्ते से जाने का फैसला किया था। लेकिन रास्ते में ही इनकी स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो गया है और अब ये लोग पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन गुल्ली बुल्ली जिस रास्ते से होकर जा रहे हैं, ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है और यहां से आने जाने वाले लोगों में से बहुत लोग लापता हो जाते हैं और इस इलाके में अब कोई नहीं रहता। लेकिन शायद गुल्ली बुल्ली को इस बारे में कुछ नहीं पता और ये दोनों आगे बढ़ते जा रहे हैं और इधर मौसम भी अब खराब होने लगा है। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि मौसम खराब हो रहा है बुल्ली, हमें छुपने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। बुल्ली कहता है कि ढूंढने की क्या जरूरत है गुल्ली, वो देखो हमारे सामने ही एक घर है, चलो वहीं पर रुक जाते हैं। और गुल्ली बुल्ली उस घर के पास आ जाते हैं। बुल्ली कहता है कि गुल्ली मुझे याद है कि हमने शॉन का बर्थडे पिछले महीने ही मनाया था, शायद इतनी जल्दी उसका बर्थडे दोबारा कैसे आ सकता है। गुल्ली कहता है कि शॉन का दिमाग खराब हो गया है बुल्ली, लेकिन हमें उससे क्या लेना देना है, हमें तो बस पार्टी से मतलब है, लेकिन मुझे लगता है कि आज की पार्टी हम मिस कर देंगे और हमारी गाड़ी ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है, पेट्रोल की एक बूंद नहीं बची है गाड़ी में। बुल्ली कहता है कि गुल्ली वहां देखो, किसी ने अपनी जीप वहां खड़ी कर रखी है, मुझे लगता है हमारे जैसे ही कोई और भी यहां पर आके रुका है। गुल्ली कहता है कि बारिश रुकने के बाद उस गाड़ी के पास चलते हैं हम लोग, शायद वहां से हमें थोड़ा पेट्रोल मिल जाए। लेकिन बुल्ली कहता है कि वहां जाने की क्या जरूरत है गुल्ली, मैं इस घर के दरवाजे को नॉक करके बुलाता हूँ किसी को, मुझे लगता है इस दरवाजे के अंदर जरूर कोई होगा जो कि हमारी मदद कर सकेगा। लेकिन बुल्ली ने ये दरवाजा खटखटाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अरे ये तो माइकल है और ये वही खूनी हत्यारा है जिसकी वजह से लोग यहां से गायब हो जाते हैं। और इधर जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता तो गुल्ली कहता है कि मैंने तुमसे कहा ही था बुल्ली कि यहां कोई नहीं रहता है, ये पूरी जगह वीरान पड़ी है। बुल्ली कहता है कि तुम्हारी बात तो एकदम सही है गुल्ली, लेकिन हमें कैसे भी करके यहां से शॉन के घर तो जाना ही पड़ेगा, तो क्यों ना हम लोग खुद ही इधर उधर चीजें ढूंढें, मुझे लगता है कि हमें जरूर कहीं ना कहीं से पेट्रोल मिल सकता है, जैसे कि वो देखो वो जीप है और उस वाली जीप में पेट्रोल नहीं डीजल चलता है, तो मुझे लगता है कि हमें पेट्रोल के लिए भी कुछ ना कुछ चीज मिल ही जाएगी। और गुल्ली बुल्ली वहां से बाहर निकल के उस घर के पीछे की तरफ जाने लगते हैं। और जैसे ही ये लोग पीछे की ओर जाने लगे कि तभी वो खूनी माइकल घर के सामने की तरफ आने लगता है।
गुल्ली और बुल्ली पीछे आ जाते हैं और तभी उनकी नजर पीछे उस लाश की तरफ पड़ती है जिसको माइकल मार रहा था। गुल्ली और बुल्ली अपनी आंखों के सामने ऐसी एक लाश देखकर बहुत डर जाते हैं और बुल्ली कहता है कि ये क्या है गुल्ली, यहां तो किसी की लाश पड़ी हुई है। गुल्ली ने कहा कि मुझे तो यहां बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है बुल्ली, हमें सावधान हो जाना चाहिए। और इधर माइकल भी घर के सामने आ चुका है। शायद माइकल को यह भनक लग गई है कि यहां कोई और भी आया है। तभी उसकी नजर गुल्ली बुल्ली के स्कूटर पर पड़ जाती है और इसे देखकर माइकल को यकीन हो जाता है कि उसके कुछ नए शिकार यहां पर आ चुके हैं। तभी गुल्ली बुल्ली पीछे की ओर मुड़ते हैं और उस दरिंदे माइकल को देख लेते हैं और गुल्ली बुल्ली तुरंत समझ जाते हैं कि इसी ने इस लाश वाले आदमी को मारा है और ये लोग वहीं पास वाली एक अलमारी जैसी चीज में चले जाते हैं। तो दोस्तों अब क्या होगा आगे की स्टोरी में, क्या गुल्ली बुल्ली इस माइकल से बच पाएंगे या फिर ये खूनी माइकल इन दोनों को भी मार देगा। अब क्या होगा आगे की स्टोरी में ये देखेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ तो आपको तुरंत पता चल जाए।